नमस्कार नमस्कार, आदाब। मेरी अपनी महफिल में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूं जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब की खुद नविश्त, और फिर एक दिन आज इस खुद नविश्त का 21वां बाब, 21st चैप्टर, जिसका उन्वान है इश्तेहारबाज और फिल्मसाज। ये चैप्टर भी तवील है, इसलिए हम इसे भी आपको दो हिस्सों में सुना रहे हैं। पेशे खिदमत है 21वें बाब का पहला हिस्सा, उन्वान है इश्तेहारबाज और फिल्मसाज। हंसा वाडकर का मैंने नाम भी नहीं सुना था। मैं सिर्फ उन मराठी अदाकारों को जानता था जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया था। 1940 की दहाई में वाडकर अपने उरूज पर थी और उनकी जिंदगी को फिल्माने का ख्याल शाम के जहन में काफी दिनों से था। अक्सर कहते कि उनके ख्वाबों की फहरिस्त में कहानी सबसे अव्वल है। अब तक शाम भारत के आला तरीन फिल्म साजों में शुमार होने लगे थे। उनकी संजीदा फिल्में पैसा भी कमा रही थी और जब मंथन हर तरह से कामयाब हुई तो इस बड़े बजट की मगर ना बिकने वाली फिल्म, जिसका पस मंजर 1940 की फिल्म दुनिया है, बनाने के लिए पैसे जुटाने में उन्हें परेशानी नहीं हुई। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एक अंधविश्वास आज भी कायम है कि फिल्मों पर बनी फिल्में नहीं चलती। यही मफरूजा क्रिकेट से मुताल्लिक फिल्मों के बारे में भी था। हालांकि लगान से पहले किसी जानकार ने क्रिकेट पर फिल्म बनाई ही नहीं थी। फिल्मी दुनिया के बारे में फिल्में आज भी क्यों नहीं चलती, इस पर गौर करने का काम मैं आप पर छोड़ता हूं। श्याम की खासियत थी अदाकारों से बेहतरीन काम करवाना, इसलिए जब इस फिल्म की खबर फैली तो जनाने अभिनय जगत में हलचल सी मची। महारत की मांग करने वाला मरकजी किरदार किसकी झोली में जाएगा, इस सवाल ने फिक्र की काफी लहरें दौड़ाई। भले ही श्याम पहले से स्मिता का इंतखाब कर चुके थे, मुझे एक फिल्म सास का किरदार दिया गया जो उससे इश्क का नाटक करके दगा देता है। छोटा सा किरदार था जिसके लिए हफ्ता भर दरकार था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा मेहनताना मिलने वाला था। किरदार में पैसा ब्लेज कंपनी ने लगाया, वही कंपनी जिसने श्याम की पहली दो फिल्में बनवाकर खासा मुनाफा और उससे भी ज्यादा शोहरत हासिल की थी। तो इस बार यह फिल्म फक्कड़ बिल्कुल नहीं थी। मंथन में हमें जो मामूली रकम मिली थी उसकी भरपाई श्याम ने इस फिल्म में दरियादिली से की। गिरीश के अलावा श्याम के तबेले के सारे दिग्गज फिर मौजूद थे। अमरीश, कुलभूषण, मोहन अगाशे, अनंतनाग, मैं और साथ में अमोल पालेकर, जो हम सबसे पहले कामयाब हो चुके थे। इस भारी भरकम मंडली के साथ अपनी पहली फिल्म करते हुए
नकली दाढ़ी मूंछ के पीछे छुपे ओमपुरी भी हैं एक छोटे से किरदार में। और काम यानी और कमाई, और काम यानी और कमाई, इस खदशे पर मैं तो खुश था, पर इस फिल्म की कहानी मुझे ज्यादा दिलचस्प लगी नहीं, ना ही मुकम्मल फिल्म। मेरा मानना है कि हिंदी सिनेमा के बारे में आज तक कोई ऐसी फिल्म नहीं बनी जिसे सच्चा कहा जा सके, जो बनी भी हैं तो बिल्कुल मसनूई हैं या पूरी तरह चाशनी में तर, खास तौर से कागज के फूल जिसमें ये दोनों खामियां हैं। और सभी इस ख्वाबों की दुनिया की सच्चाई पेश करने के बजाय अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश करते हैं। भारत की फिल्म इंडस्ट्री पर अगर भारत की फिल्म इंडस्ट्री पर अगर कभी कोई सच्ची तेज धार वाली फिल्म बनी तो वो फेलिनी की दुनिया को मात दे देगी, लेकिन ऐसी फिल्म बनने की उम्मीद कम है। जब भी कुछ करने को ना होता मैं श्याम के दफ्तर पहुंच जाता। ग्रांट रोड में नाना चौक के पास ज्योति स्टूडियोज में, उस स्टूडियो में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के भी कभी शूटिंग हुई थी। हालांकि स्टूडियो का वो तारीखी हिस्सा गिर चुका है और बाकी हिस्से लगभग नहीं के बराबर इस्तेमाल होते थे। कंपाउंड में एक तरफ कारों का गैराज था, चारों तरफ टूटी फूटी कारों की मौजूदगी के बावजूद उस स्टूडियो में कुछ जादू था। तारीख की महक उसके कोने कोने में बसी थी। कुछ अदाकार जो कभी कभी फिल्मों में नजर आया करते थे अब गर्द अय्याम में सने, चेहरों पर मायूसी की थकन लिए वहां बैठे रहते। बीते जमाने की निशानियां चारों तरफ थीं। कुर्सी पर बेशुमार पिछवाड़े टिक चुके थे और तकनीकी सामान ऐसा कि म्यूजियम में होना चाहिए। वो इमारत, उसकी साज सज्जा, रेलिंग, घिसी हुई लकड़ी की सीढ़ियां, न उनकी कभी मरम्मत हुई न उन्हें बदला गया। एडिटिंग कमरों में लगता था बेशुमार प्रेत छुपे हुए। भूमिका का पहला मंजर, या यूं कहूं मेरा पहला मंजर, ज्योति स्टूडियो में ही फिल्माया गया। होली के जश्न में एक दूसरे पर रंग फेंकने के बाद स्मिता और मैं स्टूडियो बने उस स्टूडियो से ठहाके लगाते हुए एक पुरानी हसीन लाल ब्यूगेटी थंडरबर्ड गाड़ी में दनदनाते बाहर निकलते हैं। श्याम ने सिर्फ यह हिदायत दी थी कि मैं चुस्त दुरुस्त और सुलझे दिमाग का नजर आऊं, सो मैंने दाढ़ी छटवा ली जिसकी ताइद की गई, और फिर एक बिना रिम का चश्मा और कड़क कड़कदार सफेद कुर्ता पजामा पहनकर कुछ हद तक चुस्त दुरुस्त लगने तो लगा, मगर ड्राइविंग में माहिर ना होने के सबब मैं तब सुलझे दिमाग वाला तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। जब शॉर्ट में धूल उड़ाता, कार टेढ़ी मेढ़ी चलाता, हक बकाया सा गेट से बाहर निकला, उस नायाब कार को ठोकने का डर चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। पर शुक्र है वो शॉर्ट फिल्म में है ही नहीं। हसीन स्मिता के साथ मैंने कुछ इश्किया सीन किए और गोवा की शूटिंग के दौरान कुलभूषण और मुझे इनाम के तौर पर साथ ले जाया गया कि हम दोनों वहां मौज मनाएं। अलावा इन बातों के,
भूमिका में काम करने और बाद में उसे देखकर मुझे खास मजा नहीं आया। उसकी शूटिंग के दौरान अलबत्ता एक सानेहा गुजरा जिसका फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं। मार्टिन विला के ठीक सामने सड़क पर अपने लिए एक कमरा पाने में मैं आखिर कामयाब रहा। मकान मालकिन थी रेमी, मकान मालकिन थी मिसेस रेमी ड्यूस, हंसती आंखों वाली भारी भरकम खातून। शुरू शुरू में गर्लफ्रेंड नहीं का कानून यहां भी लागू हुआ, फिर रत्ना से मिली और फिदा हो गई तो कानून बदल कर दरवाजा बंद करने का नहीं हो गया। जसपाल, पैडी, टीका और ओम अभी भी मार्टिन विला में ही रह रहे थे। खार वेस्ट स्टेशन से कोई 100 मीटर दूर सिंध पंजाब नाम के एक छोटे से ढाबे में हम सब अक्सर रात का खाना खाते। मुनासिब दाम थे, अगर सब्जी और चपातियां लो तो दाल मुफ्त। पेट भर खाने के कोई 4 रुपए लगते थे और अगर ऐश करनी हो दही मीठा तो थोड़ी सी रकम और। खाने का जायका गैर यकीनी हद तक मजेदार था। भूमिका की शूटिंग चल रही थी कि एक रात ओम और मैं सिंध पंजाब गए। जसपाल भी बाद में वहां आया। ओम से मिलकर मुझे अनदेखा कर गया जिसका मैंने शुक्र मनाया। उससे मैं कुछ वक्त से वैसे भी दूर रहता आ रहा था। मेरी बगल से निकलकर पीछे की एक मेज पर जा बैठा, ऐसा मुझे लगा। उसके गुस्सेवर रुख और ऊट पटांग बुदबुदाई धमकियों का अब तक मैं आदि हो चुका था। सो खाना खाता रहा। कुछ देर बाद मेरी पीठ पर एक तीखी सी चोट पड़ी और मैं मुड़ ही रहा था कि ओम चिंघाड़ता हुआ मेरे पीछे किसी की तरफ लपका। मुड़ के देखा तो जसपाल के हाथ में चाकू था जिसकी नोक खून में सनी थी। इससे पहले कि जसपाल का हाथ फिर से उठे ओम ने उसे दबोच लिया। एकाएक मेरी टांगें बेजान हो गई। वहां से निकलने की कोशिश में मैं आगे की तरफ मुंह के बल गिरा। मेज पलट गई, प्लेटें दाल सब्जी चारों तरफ उड़ने लगी। फर्श पर पड़े मुझे भागती टांगें दिख रही थीं, चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। ओम मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था और मैनेजर फोन पर पुलिस को बतला रहा था, झगड़ा हुआ है, एक आदमी ने दूसरे को चाकू मार दिया है। इस बीच जसपाल की रसोई घर में धुलाई की जा रही थी। ओम ने मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहा, पर रेस्तरां के स्टाफ ने पुलिस के आने तक हमें हिलने नहीं दिया। अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। मेरी मांसपेशियां ऐंठने लगी थीं, कुर्ते की पीठ तर हो चुकी थी और खून अब पतलून की तरफ बढ़ रहा था। बेपनाह प्यास लग रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेटना चाहता था पर ओम को यह मुनासिब नहीं लगा और तमाशाई भीड़ बढ़ती गई। कुछ देर बाद साइकिल पर दो हवलदार आए और कुछ रवायती पूछताछ के बाद उनमें से एक जसपाल को टैक्सी में बिठाकर थाने ले गया। पता नहीं उस टैक्सी वाले को भाड़ा मिला भी या नहीं, जो भी हो वो दोनों हवलदार बेचारे बे इरादा फंस गए थे। फोन के जवाब में नहीं आए थे, सिर्फ वहां से गुजर रहे थे। बहुत जल्द सायरन बजाती पुरी, बहुत जल्द सायरन बजाती
पूरी टुकड़ी ला दे। एक ब्लैक वैन आकर रुकी तो भीड़ धुएं की तरह छट गई। डंडे चलाने को बेचैन ठुल्ले लपक कर जैसे ही बाहर निकले उनका जोश ठंडा पड़ गया जब मेरी तरफ इशारा किया गया। जख्म खाए बैठा खासा लाचार एक ही बंदा, कुछ बताया जा सके इससे पहले ही मेरी गर्दन पकड़कर मुझे लपक लिया गया। एक दो भारी हाथ मेरी गुद्दी पर पड़े। साला सड़क पर मवालीगिरी करता है, मेरी बहन और मां की शराफत पर सवाल उठाए गए। और ठोकर मारकर तो नहीं पर गाड़ी में ढकेल जरूर दिया गया। ओम ने गाड़ी में चढ़कर सिपाहियों को जरा नरमी बरतने की गुजारिश की तो बड़ा हवलदार चढ़कर उसे नीचे उतारने लगा। कई मिन्नतें करने पर मेरे साथ ठहरने की उसे इजाजत मिली। कोई इल्म नहीं था हमें कहां ले जाया जा रहा है, पर मैं दुआ कर रहा था कि थाने ना हो। दर्द बर्दाश्त से बाहर हुआ जा रहा था। पुलिस वालों को असली हालात समझाने में कुछ वक्त लगा। सवालों के जवाब सुनने और रेडियो पर कुछ अबूझ बातचीत करने के बाद जब तक कूपर अस्पताल आया, हवलदारों को खबर लग गई कि हुआ क्या था। और एक रात ने रूखी सी हमदर्दी दिखाते हुए उतरने में मेरी मदद की। उस तजुर्बे के बाद खाकी वर्दी से मेरी दिली नफरत को दबने में कई बरस लगे। सुबह मेरी शूटिंग थी तो सबसे पहले शाम को खबर भेजना जरूरी लगा, पर आधी रात उठ के घर हमारा फोन करना मुनासिब नहीं था। गोविंद नेहलानी पास ही रहते थे, उनसे ओम ने कहा कि शाम को इत्तला कर दें और एक कमीज मेरे लिए लेते आए। रत्ना को भी खबर दी गई और पूरा दल सुबह तड़के आन पहुंचा। श्याम ने अपने खर्चे पर मुझे जसलोक अस्पताल में भर्ती कराया और मेरी शूटिंग कुछ दिनों के लिए टाल दी गई। पता चला कि जसपाल दो रात हिरासत में रहा, फिर जमानत देकर उसे छुड़ाया सईद मिर्जा ने, जिसकी फिल्म अरविंद देसाई में जब मैंने काम करने से इनकार किया तो जसपाल ने मेरी जगह ली थी। सईद FTII के दिनों से जसपाल को बहुत पसंद करता था, अब अपने घर में उसे पनाह दी थी। 5 सितारा जसलोक अस्पताल में 3 दिन बड़े मजे से गुजरे। उसके बाद नीरा और श्याम ने मुझे अपने घर 1 हफ्ते रखकर प्यार से मेरी देखभाल की जब तक के टांके निकाले नहीं गए। इतना मशहूर नहीं हुआ था मैं कि अखबारों में खबर आती और आजकल की तरह माफ कीजिएगा इतना मशहूर नहीं हुआ था मैं कि अखबारों में खबर आती और आजकल की तरह फिल्म वालों का पादना डकारना नाक खोदना टीवी पर लगातार नहीं दिखाया जाता था। इसलिए शुक्र है कि बाबा को, जिन्हें मुफ्त परेशानियां मोल लेने की आदत थी, इस हादसे की भनक भी न पड़ी। अपने कमरे में वापस आने के बाद ही जो कुछ घटा था वो जज्ब होना शुरू हुआ। वो बदबख्त नाहंजार मेरी जान लेना चाहता था। शुक्र है कि रहमत का फरिश्ता ओम मौजूद था। चाकू चलाना जसपाल को वैसे भी आता नहीं था। पीछे से मेरी गर्दन पर वार करने के बजाय चाकू पीट के उस हिस्से में मारा जहां मांसपेशियां सबसे मजबूत होती हैं। फिर भी वो 1.5 इंच धंस गया और बाद में एक्सरे से पता चला कि रीढ़ की हड्डी से बाल बराबर दूरी से गुजरा था। अपने ठिकाने वापस आए कुछ ही दिन हुए थे,
कि एक दोपहर दरवाजे की घंटी बजी, सामने जसपाल खड़ा था, होंठों पर मुस्कान पर आंखें खाली, डर के मारे मैं जमकर रह गया कि अब ये क्या करने आया है। ना मैंने उसके बढ़े हुए हाथ से हाथ मिलाया, ना अंदर बुलाया, फिर भी अंदर आकर आराम से बैठ गया। सिगरेट जलाकर मेरी खैरियत पूछने और माफी मांगने के बजाय एक जुनूनी सी खिलखिलाहट के साथ बोला, जो हुआ वो जाती मामला नहीं था। उन दिनों वो अपने आप को गॉडफादर का अल पचीनो समझने लगा था। ये वर्गीय युद्ध है, सईद ने सब समझा दिया है मुझे। FTII के दिनों में सईद मार्क्सवाद का परम प्रचारक हुआ करता था। उसके कमरे में बराबर मार्क्स प्रवचन होते थे, तो हैरत नहीं हुई कि सईद ने ऐसा कुछ बका होगा। पर ये बातें जसपाल के अपने बीमार जहन की गड़ी हुई भी नहीं हो सकती थी। बेहद तनाव भरे 5-1 मिनट गुजरे, माफ कीजिएगा, पर ये बातें जसपाल के अपने बीमार जहन की गढ़ी हुई भी हो सकती थी। बेहद तनाव भरे 5-1 मिनट गुजरे, जिस दौरान मैं खड़ा रहा कि दोबारा हमला ना कर दे। हालांकि अपना बचाव तो मैं कर ही ना पाता और घर में उस वक्त और कोई नहीं था। आखिरकार जब उसे जाने को कहना ही पड़ा तो हैरान होकर उठा, पर रुकने की जिद नहीं की और जाते जाते कहने लगा, नाराज की उम्र है यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वो कुछ और ऑल फॉल बके ही जा रहा था कि मैंने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। अगले हफ्ते मामूली जराइम की अदालत में हम दोनों पेश किए गए। जसपाल कटहरे में खड़ा मुस्कुराता रहा। मैंने उस पर मुकदमा चलाने से इनकार किया और केस रफा दफा हो गया। भूमिका की शूटिंग खत्म हुई तो गिरीश ने ओम और मुझे सन एंड सैंड में नाश्ता खिलाते हुए बताया कि वो हमें अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं, जिसकी शूटिंग बैंगलोर के पास होगी। SL भैरप्पा के मशहूर कन्नड़ नॉवेल तबलियू नीनाडे मगने पर मबनी ये फिल्म कन्नड़ और हिंदी दोनों में बनने वाली थी और हिंदी में हम दोनों थे। मुझे पोंगे ब्राह्मण पुजारी का किरदार मिला। गिरीश ने पूछा, सर मुंडा लोगे? मैं फौरन तैयार हो गया। थोड़ी सी तोन भी बढ़ा लो तो, ये उस वक्त नामुमकिन साबित हुआ। हिंदी संस्करण में बज्जू भाई भी सलाहकार की हैसियत से मौजूद थे। तो ये था नसीर साहब के खुद नविश्त और फिर एक दिन का 21वें बाब का पहला हिस्सा। कल फिर आऊंगा और इस बाब का दूसरा हिस्सा आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत, आदाब।